परी की जादुई ड्रेस। बहुत समय पहले की बात है, किसी दूर गांव में पूजा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूजा के पिता मोहन एक किसान थे जो अपने खेतों पर खेती किया करते थे। पूजा की माँ एक हाउसवाइफ थी। पूजा की माँ ने पूजा को बचपन से ही अच्छे संस्कार और ईमानदार होने की शिक्षा दी थी। पूजा गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। मोहन के खेतों से बहुत कम कमाई हुआ करती थी, जिस वजह से वो पूजा को एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। पूजा की माँ मीरा पूजा की बहुत देखभाल करती थी। मोहन दिन रात खेती करता और जितना भी कमा पाता उससे अपनी बेटी पूजा को खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। माँ, आपको याद होगा कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आ रहा है, और देखो आज मेरे स्कूल की छुट्टी भी है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम मेरे जन्मदिन की कोई शॉपिंग करने चलते हैं। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, आज शाम को ही मैं जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर मोहन अपने काम पर चला जाता है। यहाँ घर पर मीना पूजा के जन्मदिन के लिए घर की साफ सफाई करने लगती है। पूजा का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए वो पूजा की सभी विश पूरी नहीं कर सकते थे। शाम के समय पूजा का पिता घर वापस आ जाते हैं। कहाँ हो तुम पूजा की माँ? मैं घर आ गया हूँ, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी शॉपिंग करने चलते हैं। पूजा अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती है और फिर सभी शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। पूजा के पिताजी पूजा के जन्मदिन के लिए कुछ सजावट का सामान ले लेते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद सभी घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, परंतु पूजा जैसे तैसे बच जाती है और उसके माता पिता की वही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। पूजा बेहोश हो गई थी। ये सब देखकर आसपास के लोग पूजा को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और पूजा थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती है। अब पूजा के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, परंतु पूजा की बुआ पूजा को अपने पास रख लेती है ताकि वो उसकी देख रेख कर सके। पूजा की बुआ की अभी अभी ही शादी हुई थी। पूजा की बुआ कुसुम जब पूजा को अपने घर ले जाती है तो उसकी सास कहती है, करमजली ये तो किसको उठा कर ले आई है? जी ये मेरे भाई की लड़की है और मेरे भैया भाभी का कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया है और अब बेचारी ये अनाथ हो गई है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई माँ जी। क्यों, हमने क्या कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तू उसे यहाँ उठा कर लाई है? एक तो हम तुझे पाल रहे हैं, ऊपर से तेरे पूरे परिवार को भी पाले क्या? देख चुपचाप जहाँ से इसे लेकर आई है वही छोड़ कर आ जा, नहीं तो तू भी घर से निकल जा। अपनी सास की इतनी खड़ी खोटी बातें सुनने के बाद कुसुम वहाँ से पूजा के साथ बाहर निकल जाती है। कुसुम पूजा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पूजा अभी केवल 6 वर्ष की ही थी। कुसुम जंगल में एक झोपड़ी में पूजा के साथ रहने लगती है और जंगल में लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच दिया करती है, जिससे वो अपना और पूजा का गुजारा कर लिया करती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन पूजा के फूफा कुसुम को लेने आते हैं। देखो पूजा, तुम्हें इस तरह से माँ की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए था, चलो घर वापस चलो। देखो जी मैं तो घर वापस चलने को तैयार हूँ, परंतु मैं पूजा को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहने आ गई हूँ। आप चाहे तो हमारे साथ रह सकती हैं। देखो कुसुम, तुम पागल हो गई हो, इस झोपड़ी में सिर्फ तुम ही रह सकती हो। अगर तुम्हें घर वापस नहीं आना है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, परंतु मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुसुम अपने पति की बात मानकर बहुत भावुक हो जाती है और वो पूजा को वहाँ पर अकेला छोड़कर अपने पति के साथ वापस चली जाती है। पूजा बेचारे अब असहाय रह जाती है। कुछ दिन तो पूजा जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेती है, परंतु वो बेचारी अकेले कब तक रहती? पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जंगल की ओर चली जा रही थी। चलते चलते वो झरने के पास पहुंच जाती है। झरना देखकर पूजा के मन में मरने का ख्याल आता है और वो झरने में कूद जाती है।
पानी का बहाव बहुत तेज था जो पूजा को बहाकर आगे की तरफ ले जा रहा था और पूजा बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मुझे डर लग रहा है, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। पूजा को यूँ डूबता देख आसमान से एक परी देख रही थी। तभी वो पूजा को बचा लेती है और उसे बाहर ले आती है। क्या हुआ बच्ची तुम्हें, तुम इस झरने में कैसे गिर गई? वो दरअसल बात ये है कि मैं इसमें गिरी नहीं थी, मैं इसमें कूदकर अपनी जान दे रही थी। इतना कहकर पूजा रोने लगती है। अरे अरे पूजा, तुम इतनी छोटी हो और फिर भी अपनी जान देने की सोच रही थी, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में मेरे माँ बाप खत्म हो गए थे और अब मेरी बुआ भी मुझे छोड़कर चली गई है। दो दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। इसलिए मैं सोच रही थी कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक ही बार में मैं अपनी जान दे दूं। पूजा, मैं तुम्हारी परेशानियां समझ गई हूँ, देखो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद परी पूजा को अपने जादू से एक सुंदर सी ड्रेस पहना देती है जिसमें पूजा बिल्कुल परी की तरह दिखाई देती है। फिर परी पूजा को अपने साथ परी लोक ले जाती है और उसे वहाँ पर रहने के लिए घर देती है। परी पूजा को पढ़ाने के लिए उसको गुरु के पास छोड़ देती है जहाँ पर पूजा शिक्षा ग्रहण करती है। कुछ सालों में पूजा की शिक्षा खत्म हो जाती है और वो परी बनने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से पूजा को परी बना देती है और उसको एक जादुई छड़ी दे देती है। और अब पूजा भी बाकी सभी परियों के साथ सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, सुंदरपुर गांव में उषा अपनी सौतेली बेटी राधा और अपनी सगी बेटी मीनू और अपने पति राम गोपाल के साथ रहती थी। उषा बहुत ही खड़ूस औरत थी। राधा के सौतेले होने की वजह से उस पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। एक दिन राधा को उठने में जरा देरी हो जाती है तो उषा गुस्से में आकर आग बबूला हो जाती है और उसके कमरे में जाती है। उठ कामचोर, सुबह के 9 बज रहे हैं, मोहल्ले के सभी लोग उठ गए हैं, तुझे उठाने के लिए तेरे रिश्तेदार आएंगे। पूरा दिन भर आराम ही करती रहती है घर में। घर में और भी बहुत काम पड़े हुए हैं, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, घर के काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाइयो, समझ गई? क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मनहूस लड़की, सुबह सुबह तबीयत खराब होने का नाम मत ले, मुझे पता है तू यही चाहती है ना कि मैं बीमार पड़ जाऊं और पड़ी रहूं एक कोने में। माफ कीजिए माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। चुप कर, मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ, तू सौतेली है सौतेली बनकर है और मेरी एक ही बेटी है और वो है मीनू। अब मैं जा रही हूँ, तू जल्दी से उठकर घर के सभी कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उषा वहाँ से चली जाती है और अपनी सगी बेटी को उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। उठ जाओ मेरी प्यारी बेटी, देखो सूरज मामा निकल आए हैं, आज जो तुम बोलोगी वो तुम्हारे लिए बनवाएंगे। एक ही तो संडे होता है मेरी प्यारी बेटी के लिए, जिस दिन वो आराम से अपनी नींद पूरी कर पाती है, वरना स्कूल की जिंदगी ने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है, जो सुबह सुबह 7 बजे ही खुल जाता है और मेरी बेटी को स्कूल पहुँचना होता है। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं उठ गई हूँ, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है, तो आप मुझे 10,000 रुपए दे देना, ठीक है ना माँ? क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुझे कितने रुपए चाहिए मुझसे मांग लो, और अभी उठ जाओ और नाश्ता कर लो, देखो कितनी कमजोर हो रही हो तुम। इस तरह उषा अपनी सौतेली बेटी और अपनी सगी बेटी में भेदभाव किया करती, जबकि मीनू एक बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार लड़की थी। मीनू रोज सुबह लेट उठती थी और पूरे दिन फनी मैगजीन पढ़ना, वीडियो गेम खेलना और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना उसे बहुत पसंद था। राधा के पिता शहर के दफ्तर में काम किया करते थे, वो अपने दोनों बेटियों से बराबर प्यार करते थे। ये सब देखकर मीनू की माँ उषा को बहुत जलन होती थी
और वो किसी तरह से राधा और उसके पिता के बीच में दूरियां बनाना चाहती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बहुत गहरी सोच में बैठी हुई होती है। क्या हुआ भाग्यवान, आज तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या, या फिर हमेशा की तरह राधा से ही काम करवाओगी? हाँ हाँ, आप तो यही कहेंगे कि मैं पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ और सारा काम तो तुम्हारी लाडली बेटी राधा ही करती है ना। हाँ, तो इसमें कोई शक है क्या? पूरा गांव जानता है कि तुम मेरी प्यारी बेटी को सौतेली समझकर उस पर बहुत अत्याचार करती हो। इतना बोलकर राधा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। राधा बेटी, तुम क्या घर के काम काजों में लगी रहती हो? अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम्हारा एग्जाम भी आने वाला है। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यह घर के काम तो होते रहेंगे। जी पिताजी, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सुनकर राधा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे और मीनू और राधा बड़ी हो जाती है। उषा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक दिन ऑफिस की छुट्टी करके राधा और रूबी का एक कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। ये क्या कह रही हैं आप, राधा घर पर ही रहकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाएगी, आपको छुट्टी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात मीनू की, तो मैं उसका एडमिशन खुद जाकर करवाऊंगी। परंतु उषा, राधा घर पर रहेगी तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राधा के पिता उषा से नहीं लड़ना चाहते थे, झगड़े से बचने के लिए उसने अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और उषा का अत्याचार राधा पर बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे करके उषा घर के सभी काम राधा से करवाने लगती है और खुद आराम की जिंदगी जीती है। एक दिन राधा बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी राधा की एक स्कूल की सहेली उससे मिलने के लिए आती है। राधा अपनी सहेली से बातें करने लगती है और बातों बातों में उसे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। बहुत देर बाद जब वो अंदर जाती है तो सोफे पर बैठी उसकी माँ उसके ऊपर गरजने लगती है। कहाँ मर गई थी पिछले 2 घंटे से? मैं तुझे कितनी आवाजें लगा रही हूँ और तू है कि अपने कानों में लीड लगाकर बैठी है? वो माँ, मुझे मेरी सहेली मिल गई थी तो मैं उससे बातें करने में लग गई थी और मुझे समय का पता ही नहीं लगा। सहेली से बातें कर रही थी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर उषा राधा के गालों पर जोरदार चाटा मार देती है। राधा अपने सौतेली माँ का अत्याचार सहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राधा अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। माँ, देखा आपने आज किस तरह से उषा माँ ने मेरी बिना किसी गलती के मुझे जोरदार चाटा लगाया। मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ और सभी का कहना भी मानती हूँ, फिर भी वो मुझे बहुत मारती है और मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देती। माँ, अब मैं और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, कृपया आप मुझे अपने पास बुला लीजिए माँ। इस तरह राधा अपनी माँ के आगे जोर जोर से रो रही होती है कि तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है। प्यारी बेटी, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ऊपर से सब देख रही है। मैं जानती हूँ तुम किस तरह से अपने सौतेली माँ उषा का अत्याचार सहन कर रही हो। मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। पास वाले जंगल में एक नदी है, तुम उसके पास जाना और उस नदी को अपनी सारी कहानी सुनाना। वो एक जादुई नदी है, तुम्हारे हालातों को देखते हुए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये सब सुनकर राधा अपनी माँ का कहना मानते हुए उस नदी के पास पहुँच जाती है। राधा नदी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाती है। हे जादुई नदी, कृपया कर मेरी मदद कीजिए। राधा की दुख भरी कहानी सुनकर नदी की देवी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनकर बहुत दुख हुआ कि किस तरह तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर इतना अत्याचार कर रही है और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है, ये लो, ये जादुई चूड़ियाँ और मेकअप है। ये जादुई चूड़ियाँ तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत का हर सामान देगी। और ये है जादुई मेकअप का सामान, इसका इस्तेमाल करते ही तुम्हारे सभी दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगी और तुम एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाओगी। इन चूड़ियों की मदद से तुम्हारी सौतेली माँ उषा को अच्छा सबक मिलेगा। राधा नदी की देवी से वो जादुई चूड़ियाँ और मेकअप का सामान ले लेती है।
और उन्हें धन्यवाद देती है। राधा घर जाकर वो जादुई चूड़ियां और मेकअप का सामान छुपाकर रख देती है। राधा जब अपनी वो जादुई चूड़ियां और मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है तो राधा एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। राधा अपने आप को शीशे में निहार रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है और गरजते हुए कहती है, अरे राधा, तेरे पास ये इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई और तू इतनी सुंदर कैसे लग रही है? भूल गई क्या तू अपनी औकात? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है। चल जल्दी से ये सभी सामान मेरी बेटी को दे दे। नहीं, ये मेरा सामान है, मैं ये सामान किसी को नहीं दूंगी। राधा की बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो राधा का सामान छीनने के लिए आगे बढ़ती है। परंतु जैसे ही उषा राधा के हाथों से चूड़ियां निकालने की कोशिश करती है, उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। राधा अपनी माँ को नदी के देवी की सारी कहानी सुनाती है। उषा राधा से डरने लगती है और वो राधा पर अत्याचार करना बंद कर देती है। राधा बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी। वो अपनी शक्तियों से किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती और अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।